पूर्व मंत्री नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां को 3 माह का साधारण कारावास और जुर्माना जमानत पर रिहा। MPMLA कोर्ट और नेताओं के मामले की सुनवाई कर रहे रामपुर जिले के विशेष न्यायालय MPMLA कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें रामपुर के नवाब परिवार के नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां को सजा सुनाई है। उनको ये सजा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनाई गई है। ये मामला सन 2015 का था, 2017 में दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए MPMLA कोर्ट के न्यायाधीश ने 3 माह का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां 4 बार के विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर लिए। अब उनके वकील इस सजा के खिलाफ अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मामला था ये आचार संहिता से संबंधित। जब यहाँ समाजवादी की सरकार थी उस समय सरकार के दबाव में नवाब कादिम अली खान के खिलाफ एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया, जो कि झूठे तथ्यों पर आधारित था। इस मुकदमे में गवाही हुई, गवाह लोगों के जिरह किया गया, जिरह के बाद बहस हुई और बहस के बाद आज निर्णय ही आया कि आचार संहिता में उन्हें दोषी पाया गया और 3 माह की सजा और 1000 रुपये का आर्थिक दंड में उसमें सजा सुनाई गई। आर्थिक दंड जमा किया जा चुका है और जो 3 महीने की सजा है उसके खिलाफ हम अपील न्यायालय में अपील करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम वहाँ से बेइज्जत बरी होंगे और जो भी न्यायालय की प्रक्रिया होती है उसका हमने सम्मान किया और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। किस सन में मुकदमा दर्ज हुआ था? ये 2015 में दर्ज हुआ था, 2017 में ये रजिस्टर्ड हुआ। तो बेल हुई? हाँ, बेल हो गई है और क्योंकि जो सजा है इस प्रोविजन में उसमें हमें बेल हाथ के हाथ मिल जाती है।